सामने दो स्क्वाड है, M4 में बस 7 या 8 बुलेट है, देखो क्या होगा। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज का एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, और आज मैं आपको 2 गेम प्ले दिखाऊंगा। फिलहाल ये जो गेम प्ले है, इसमें उतरने के साथ भैया जो तबाही मचाई है मैंने ना, तुम देख के बिलीव नहीं करोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो ठोकना ही पड़ेगा। फिलहाल अनलकीली इसी वाले बिल्डिंग में बंदे आ जाते हैं, निपटाते हैं उनको। अब इन दो बदमाशों को निपटाने के बाद बगल से फायरिंग आई थी, तो सीधा मैं उधर रश करता हूं, और यहां पे जो सीन होगा ना, बाप रे बाप, देखो तुम बस। मतलब कितने सारे बंदे थे एक ही जगह पे, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था। फिलहाल इन सबको फिनिश करने के बाद ऊपर से फुटस्टेप आती है कि 2 बंदे बगल वाले बिल्डिंग में कैंप कर रहे हैं। देखते हैं थोड़ा। तो इन सबको फिनिश कर दिया था पुचिंग की में। हाँ, अभी भी कुछ बंदे बच रहे हैं, थोड़ा जाते हैं निपटाने के लिए, और टीममेट वगैरह भी नॉक फिनिश हो रहे हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा उनको भी। चलो कहानी खत्म है, जुट गए, आ रहा है भी क्या। अब देखो यहाँ पे 2-3 स्क्वाड फाइट कर रही होती, ये बंदा थर्ड पार्टी करने आया था, मैं इसके ऊपर थर्ड पार्टी करके इसको नॉक कर देता हूँ, और जो इसके टीममेट होते हैं वो मेरे पे भड़क जाते हैं, गलत ही फायरिंग करते हैं। बस तुम देखो यहाँ पे कैसे निपटाया हूँ सबको। अब यहाँ पे एक को नॉक कर दिया था, एक को फिनिश कर दिया था, बस जाना था इसके टीममेट्स को खत्म करने के लिए। और कसम से बताऊंगा, आगे जो भसड़ मचने वाली है ना, अभी के अभी जाके वीडियो रोक के लाइक कर दो, और देखो बस तुम यहाँ पे क्या ही कांड करूंगा। मतलब 10 HP वाला क्लच तुमको देखने मिलेगा, और भयानक से भयानक क्लच, देखो तुम। फिलहाल एक वहां पे नॉक हो चुका है, मैं सीधा रश कर देता हूँ दूसरा नेट डालने के बाद।
हो भाई साहब, फाइनली ये लोग यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब देखो ये लोग खत्म हो गए थे, इतने में सोचा चलो यहाँ से निकलते हैं बॉट वॉर्स को फिनिश करने के बाद, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से भैया ये बंदे रिकॉल होके आ जाते हैं मुझे फिनिश करने के लिए। थोड़ा देखते हैं, और ये जो यूजी वाला बंदा है इसको भी निपटाएंगे, लेकिन थोड़ा सबर करो, पहले ऊपर वाले को निपटाते हैं। तो भाई को यहाँ पे नॉक कर देते हैं, लगे हाथों फिनिश भी कर देते हैं, और जो इसका यूजी वाला टीममेट है ना, पता नहीं कहाँ को भग लिया है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। इतने में पीछे से फायदा आता है, और देखो तुम हो भाई साहब, क्या ही फायर होता है, क्या ही डैमेज मिलता है। फिलहाल जल्दी से हील करते हैं, और सामने वाला बंदा रश करने लगता है, और M4 में 3x लगा हुआ था जो कि नॉक करवा देता है मुझे। फिलहाल यहाँ पे मैं फिनिश हो जाता हूँ, रिकॉल होके ये वाली जगह पे आता हूँ। इतने में सामने ड्रॉप गिरा हुआ था, उसको लूटते ये बग्गी वाला बंदा आता है, और साथ ही साथ अपने टीममेट्स को भी बुला लेता है। और मेरे पास में बाइजन और यूजी है, तो क्या ही बोलूँ। फिलहाल सामने एक मॉली करता हूँ कि बंदा एटलीस्ट नॉक वगैरह हो जाए, नहीं होता। इतने में पीछे से आवाज आती है बग्गी की, दो बंदे सामने। अब क्या ही बोलना भैया, दो बंदों का रश आया था, बिल्कुल संभाल नहीं पाता। फिलहाल दूसरा गेम प्ले लगाता हूँ, और मिलिट्री बस जंप करता हूँ, और आसपास कतई बंदे ही बंदे दिखते हैं, निपटाते हैं बारी बारी करके। तो फाइनली सांप बन के इसको भी यहाँ पे मैं धर लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भैया मैं उठ नहीं सकता था सही तरीके से, क्योंकि देखो टावर पे भी बंदा था, साथ ही साथ सामने वाले बिल्डिंग पे एक बंदा जो कि ऊपर ही कैंप कर रहा है। तो सबसे पहले स्कारल लेते हैं, सामने वाले बिल्डिंग वाले बंदे को निपटाते हैं, और नीचे जाते हैं, क्योंकि भाई अगर यहाँ गलती से भी नॉक हुआ ना तो डायरेक्ट फिनिश होगा, क्योंकि टावर वाला तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पर 10 HP में जो मैं काम कर रहा था ना, कतई आप लोग एकदम ट्राई मत करना, नहीं तो भाई पक्का पेटी बन जाएगी। फिलहाल दो नंबर रश कर दिया है, थोड़ा जाते हैं सपोर्ट देने के लिए उसको, और सामने वाले बंदे यार बहुत हरामी होते हैं, कैंप करते हैं। तो यही इकलौता बंदा मुझे मिलता है यहाँ पे, तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। और जो बाकी बंदे बच रहे होते वो सी बिल्डिंग के आसपास थे, और हम लोग को निकलने का यहाँ से तो हिम्मत हो नहीं रहता, क्योंकि बंदे कैंप करके रखे थे, फिर भी हम लोग क्लोज इन कर देते हैं। इतने में मुझे एक बंदे की फुटस्टेप आती है अंदर से, तो निपटाते हैं उसको। अब इस बंदे के टीममेट चुप मानने को बिल्कुल राजी नहीं थे, मेरे टीममेट के ऊपर गलत ही बरसते हैं, एकदम नॉक कर देते हैं, तो जल्दी से रिवाइव देते हैं। अचानक इस वाली बिल्डिंग के अंदर एक बंदा रश कर देता है, तो थोड़ा जैकेट निपटा देते हैं उसको भी, जो कि यहाँ दिख जाता है। अब इस बंदे को निपटाने के बाद मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो थोड़ा जाते हैं टीममेट को बचाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अभी भी फायरिंग आ रही है, तो जितने बंदे बचे हैं उनको भी निपटाएंगे। हाँ नाइस नाइस, यही था यही। अब यहाँ पे मैं आराम से लूट ही रहा होता हूँ, इतने में यूजी से फायदा होता है, गलत डैमेज पड़ता है, तो पहले हील लगाते हैं, फिर देखते हैं इस बंदे को। और कतई यार बंदा ये भी कैंप कर रहा था, मुझे फुटस्टेप आ जाती है इतने में कि बंदा वॉल के पीछे है। तो यहाँ पे मैं टीममेट को बुलाता हूँ, और फिर दोनों मिलकर रश करते हैं, और फिर निपटाते हैं उसको, देखो कैसे। तो फाइनली कर देते इसको भी खत्म। अब इसको खत्म करने के बाद टीममेट बताते हैं कि टावर पे भी कुछ बंदे हैं, तो थोड़ा उनको भी निपटाएंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट एड लगाते हैं, देख लो भैया कितना सा हेल्थ बचा हुआ है। अब देखो यार जो टावर वाले बंदे होते हैं वो गलत ही एकदम कैंप करना स्टार्ट कर देते हैं, टीममेट को यार डैमेज दे देते, तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं सीधा रश कर देता हूं। और थोड़ा तुम देख रहे हो स्पीड, और जा तुम देखना भाई टावर वाला बंदा कितना स्पीड में सामने से आएगा।
फिलहाल भाई को नॉक कर दिया था, लगे हाथों तो फिनिश भी कर दिया जाते लूटने के लिए। और भाई के पास में दो दो सिक्स सेक्स थी यार, मतलब क्या ही कमाल का लूट लेके बंदा घूम रहा था। फिलहाल हेल्थ लगा के मैं पीछे के साइड आता हूँ, इतने में देखो यहाँ से फुटस्टेप आती है दो बंदों की। तो आराम से इनको निपटा देते हैं और उसके बाद एकदम हल्की से मुझे फुटस्टेप आती है अंदर से और देखो इन कैंपर्स को। टीममेट दूर होते हैं, पूरा बंदा फिनिश कर देता है। फिलहाल जब मैं रिकॉल होकर यही वाली जगह पे वापस आता हूँ, इन्हीं बंदों से फाइट होती है, बस तुम देखो कैसे। तो इनको निपटाने के बाद हम लोग ये वाली जगह पे आते हैं, इतने में सामने बंदे दिखते हैं और तुम देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। मुझे लगता है ये बंदा सामने वाले को मार रहा होता है और मैं सोचता हूँ चलो इसको निपटाते हैं, लेकिन नॉक हो जाता हूँ। टीममेट अच्छे होते हैं जो कि बगल में थे, यहाँ पे मैं बच जाता हूँ, लेकिन जहाँ तुम देख रहे हो सब बंदे को मारने में लगे पड़े, मेरे को कोई रिवाइव नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ और तुम देखो जरा। खा जाएगा वो। फाइनली यहाँ पे दोनों को नॉक कर देते हैं, लगे आ तो फिनिश भी करते हैं, टीममेट को रिवाइव करते हैं। और फिर टावर पे एक बंदा आता है पता नहीं कहाँ से, मुझे सच बताऊं तो लग रहा था ये बॉट है, लेकिन जब हम लोग रश करके इसको निपटाने जाते हैं तो मालूम चलता है भैया रियल है। और ये भी यार एकदम कैंप कर रहा है, देखो कितना हार्ड कैंप। भाई थोड़ा सा हिल भी लिया करो यार, लोकेशन मालूम चलेगी। फिलहाल इसको फिनिश करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल के सीधा ये वाली जगह पे आते हैं। अब इतने मुझे सामने वाले बिल्डिंग पे बंदा दिखता है, मैं सीधा घुस जाता हूँ। भाई साहब सच बताऊंगा, बंदे का नेट तो कसम से लैग किया था, एकदम से झटके से उधर गया, तुम लोगों ने भी देखा है। यहाँ पे मैं भले ही नॉक हो जाता हूँ लेकिन रिवाइव मिल जाता है। उसके बाद ये वाली जगह पे आता हूँ, सामने चार बंदे हैं और चारों को चारों होल्ड करके खेल रहे हैं, बिल्कुल वहां से नहीं हिल रहे होते। और मेरा एक सबसे खराब आदत है कि मैं बिल्कुल ही होल्ड नहीं कर सकता एक जगह पे, और मेरे अंदर चुल मस्ती रहती है कब जाकर रश करके सामने वाले को निपटाए। और यहाँ पे भी वही चुल, भाई पूरी स्क्वाड डुबाएगी मेरी, बस तुम देखते जाओ। फिलहाल यहाँ पे टीममेट को बैठाता हूँ, बोलता हूँ चलो जाकर रश करते हैं और तुम देखो बस यहाँ पे क्या क्या सीन होगा। सबर कर यार, बोल रहा था मैं यार ट्रैक्सी, इधर बंदे ने पुश मारा था। लेट मी एक्सप्लेन, यहाँ पे क्या होता है कि मैं नेट तो ऐसे ही खराब चल रहा होता क्योंकि टेलीपोर्ट हुआ था, आप लोग को तो दिख गया था। साथ ही साथ जो बंदा होता है सामने वालों में से एक, वो आ जाता है मेरे बगल में और मुझे नॉक कर देता है। फिलहाल यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ, टीममेट्स वगैरह आते हैं बचाने के लिए और बचा नहीं पाते, बस तुम देखो यार। डेंजर अहेड, डेंजर अहेड। अरे नहीं यार, तो हाँ देखते ही देखते मेरी पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है बस मेरी गलती की वजह से। तो आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आती है तो अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके कर दो। और आज का लाइक एम तो मैं बिल्कुल नहीं रख रहा क्योंकि भैया लाइक एम रखता हूँ एक लाइक का तो आप लोग कसम से एक ही लाइक करवाते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट, शेयर कर देना वीडियो को और क्या।